सो गाइस, नेटवर्किंग कोर्स की ये वीडियो नंबर 49 है। इस वीडियो में मैं आपको एफटीपी के बारे में बताने वाला हूँ। एफटीपी को हम कैसे परफॉर्म करते हैं, प्रैक्टिकल पूरा करके दिखाने वाला हूँ। मोबाइल फोन में हम कैसे एफटीपी सर्वर को क्रिएट करते हैं, अपने सिस्टम में कैसे सर्वर को क्रिएट करते हैं, साथ ही साथ हम कैसे अपनी फाइल्स को शेयर कर पाते हैं नेटवर्क में किसी दूसरे कंप्यूटर्स के साथ। तो पूरा प्रोसेस इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। इस वीडियो में आपको एफटीपी प्रोटोकॉल, सर्वर, क्लाइंट आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। कॉन्फ़िगरेशन बहुत ही आसान है, अच्छी तरीके से आ जाएगी। तो इस वीडियो को आप एंड तक देखिएगा। इस वीडियो में आपको एफटीपी क्लियर करने वाला हूँ पूरी तरीके से। सो गाइस, इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने अभी तक गीकी हब को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल कर लें ताकि आने वाली कोर्स की कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। साथ साथ प्लेलिस्ट सेक्शन पे जाके यहाँ पे आप नेटवर्किंग कोर्स की प्लेलिस्ट को एक्सेस कर सकते हैं, बुकमार्क कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं, जिससे आने वाली वीडियो तो बिल्कुल आपसे मिस ना हो। और साथ ही साथ आप यहाँ पे और भी बहुत सारे कोर्स यहाँ पे सीख सकते हैं। बहुत सारे कोर्स आपको मैंने यहाँ पे बना के ऑलरेडी दे रखे हैं और फ्यूचर में भी देता रहूंगा। तो अब बिना ज्यादा टाइम वेस्ट करें चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ और जानते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ नेटवर्क के बारे में। तो गाइस, यहाँ पे हम अपने प्रैक्टिकल की तरफ बढ़ने से पहले यहाँ पे बस हमें इतना जानना जरूरी है कि एफटीपी क्या होता है, एफटीपी प्रोटोकॉल क्या होती है, एफटीपी सर्वर क्या होता है और एफटीपी आपका क्लाइंट क्या होता है। तो गाइस, आपका एफटीपी एक्चुअल में क्या होता है, एफटीपी फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल होती है। एक तरीके की ऐसी प्रोटोकॉल होती है जो आपकी फाइल्स को ट्रांसफर करने के लिए आप एक नेटवर्क में यूज करते हो। तो गाइस, ये आपकी फाइल्स को ट्रांसफर करने के लिए यूज होती है। एंड इसी के साथ साथ एफटीपी सर्वर और क्लाइंट यहाँ पे दो एक ऐसे नोड्स होते हैं जो कि जहाँ पे सर्वर होता है आपका, वो आपको सर्विसेज प्रोवाइड करता है, वो आपको अपनी फाइल्स प्रोवाइड करता है कि आप उनको एक्सेस करो और डाउनलोड कर लो। वहीं क्लाइंट्स क्या करते हैं, उन फाइल्स को एक्सेस करते हैं और डाउनलोड करते हैं। तो सर्वर जो होगा वो अपनी फाइल्स को शेयर कर सकता है और जो क्लाइंट्स होंगे वो उन फाइल्स को एक्सेस करके डाउनलोड कर सकता है। इस तरीके से सर्वर और क्लाइंट होते हैं। तो एफटीपी आपका एक तरीके का ऐसी प्रोटोकॉल है या एक तरीके का एक ऐसा सिस्टम है जिसकी मदद से आप ऑटोमेटिकली अपने फाइल्स को ट्रांसफर कर सकते हो बिटवीन टू कंप्यूटर्स। तो आई होप यहाँ पे एफटीपी क्या है, एफटीपी प्रोटोकॉल क्या है, एफटीपी सर्वर और क्लाइंट क्या होते हैं, ये आपको समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पे चलते हैं अपने डेस्कटॉप स्क्रीन की तरफ। यहाँ पे हम सबसे पहले अपने मोबाइल फोन पर सर्वर कैसे क्रिएट करते हैं एफटीपी का वो देखेंगे। एंड इसके बाद हम फाइल को अपनी एंड्रॉइड की जो भी फाइल्स होती है उन्हें अपने सिस्टम्स में कैसे लेते हैं ये देखेंगे। एंड इसके बाद हम डेस्कटॉप में करेंगे, एक डेस्कटॉप को हम कैसे सर्वर बनाते हैं और दूसरे सिस्टम को कैसे उसे एक्सेस में ले लेते हैं। तो पूरा प्रोसेस यहाँ पे हम एफटीपी का करके देखने वाले हैं। तो चलते हैं अपनी डेस्कटॉप स्क्रीन पे और एक्सप्लोर करते हैं एफटीपी के बारे में। तो गाइस, मैं आ चुका हूं अपनी डेस्कटॉप स्क्रीन पे। अब मैंने यहाँ पे क्या करा हुआ है, अपने मोबाइल फोन को मैंने यहाँ पे लिया हुआ है रिमोट पे। आप यहाँ पे देख सकते हो मेरा मोबाइल फोन यहाँ पे रिमोट पे लिया हुआ है मैंने। अब देखो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक एप्लीकेशन हमें डाउनलोड करनी है, वो आपको भी करनी है अगर आपको अपने मोबाइल फोन को एफटीपी सर्वर में क्रिएट कर देना है। तो अगर आप एमआई जैसे फोन यूज कर रहे हो तो वहां पे आपको खुद से पहले से ही एफटीपी सर्वर ऑप्शन मिल जाता है, लेकिन हम यहाँ पे एक्सटर्नली डाउनलोड करेंगे। तो मैं प्ले स्टोर पे चला जाता हूँ, प्ले स्टोर पे मुझे एक यहाँ पे कीवर्ड सर्च करना है एफटीपी सर्वर नाम से। तो मैं यहाँ पे सिंपली एफटीपी सर्वर ऑलरेडी सर्च कर चुका हूँ, मैं इस पे क्लिक कर देता हूँ रिजल्ट पे। तो यहाँ पे आप देखो वाईफाई एफटीपी सर्वर हमें देखने को मिल रहा है, तो मैं इस पे क्लिक करता हूँ। आप दूसरी एप्लीकेशंस भी यहाँ पे डाउनलोड कर सकते हो। तो मैंने इसे ऑलरेडी इंस्टॉल कर रखा है, तो मैं क्या करूंगा सिंपली इसे ओपन कर दूंगा। तो जैसे ही मैं इसे ओपन करूंगा तो यहाँ पे कुछ इस तरीके की कॉन्फ़िगरेशन मेरे को देखने को मिलेगी। तो मैं ऑलरेडी आपको दिखा दूं, जैसे यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करता हूँ राइट पे जाता हूँ तो यहाँ पे मेरा जो ऑलरेडी मेरा मोबाइल फोन है वो एक नेटवर्क से कनेक्टेड है। कौन से नेटवर्क से कनेक्टेड है आप यहाँ पे देख सकते हो, मेरा मोबाइल फोन अभी एक वाईफाई से कनेक्टेड है। और कौन सा वाईफाई है दिखा देता हूँ, यहाँ पे आप देख सकते हो गीकी हब नाम से मेरा वाईफाई आ रहा है जो कि मेरे राउटर का नाम है, मैं उससे कनेक्टेड हूँ। और अगर मैं लैपटॉप में दिखाऊँ अपने तो ये भी गीकी हब से कनेक्टेड है, तो दोनों मेरे एक ही राउटर से कनेक्टेड है। इसका मतलब हमारा एक ही प्राइवेट नेटवर्क होने वाला है यहाँ पे। तो अगर मैं वापस से इस एफटीपी की एप्लीकेशन को ओपन कर लूँ, तो मैं इस एप्लीकेशन को ओपन करूंगा तो यहाँ पे मेरा आईपी देखने को मुझे मिल रहा है। तो वापस से बंद हो गया फोन, तो मेरा आईपी देखने को मिल रहा है 192.168.0.103। अगर मैं अपने सिस्टम पे जाऊं और यहाँ पे सिंपली सीएमडी करूं, सीएमडी कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करूं और आईपी कॉन्फ़िग करूं, तो मैं आईपी कॉन्फ़िग जैसे ही करूंगा तो मेरे सिस्टम का आईपी मेरे को मिल जाएगा 192.168.0.102। तो इसका 103 है, इसका 102 है, तो एक ही नेटवर्क पे है, आपको यहाँ पे क्लियर हो गया होगा। तो अब मैं क्या करूंगा सिंपली स्टार्ट बटन पे क्लिक कर दूंगा। स्टार्ट पे जैसे क्लिक किया तो मुझे सर्वर की यूआरएल मिल गई ftp://192.168.1.0.103 जो कि मेरा आईपी है, ठीक है। फिर कॉलोन है और 2221 है, तो 22 एक्स्ट्रा इसमें 21 पोर्ट होता है, पोर्ट नंबर होता है एफटीपी का। तो हमें ये पूरी यूआरएल कॉपी करके वहां पे डालनी पड़ेगी, तब हमारा सर्वर ओपन हो जाएगा।
तो अगर यूजर आईडी पासवर्ड मांगा तो एंड्रॉइड एंड्रॉइड हमें दे देना है, वैसे मांगेगा नहीं इसलिए कह रहा हूँ। एनोनिमस एक्सेस है इनेबल। रूट फोल्डर क्या है? इंटरनल मेमोरी, यानी हमारा डायरेक्ट इंटरनल मेमोरी के सारे फोल्डर हमें ओपन हो जाएंगे। मैं अब क्या करता हूँ, सिंपली यहाँ पे गूगल क्रोम पे चला जाता हूँ और अपने सर्वर को ओपन करने की कोशिश करता हूँ। तो मैं सिंपली यहाँ पे डालूंगा ftp://192.168.0.103, एंटर हिट करूंगा। जैसे ही एंटर मैंने यहाँ पे हिट किया तो आप यहाँ पे देख सकते हो कोई प्रॉब्लम आ रही है 192.168.103। हमने अभी यहाँ पे कॉलन नहीं लगाया, कॉलन लगाना है, 222 लिखना है, 1 लिखना है, एंटर अप कर देना है। तो अब जैसे मैंने एंटर किया तो आप यहाँ पे देख सकते हो इंडेक्स मेरा खुल चुका है। यहाँ पे जो जो फाइल फोल्डर्स थे वो सब आ चुके हैं, अलार्म्स, एंड्रॉइड, कैनन ईओएस 200D, कार्डबोर्ड, कॉलेज मेकर, कलाज मेकर सॉरी, DCIM, डाउनलोड्स, तो ये सब मेरे सारे फोल्डर्स जो इंटरनल मेमोरी में थे वो सब मेरे यहाँ पे आ चुके हैं। तो इस तरीके से मैं यहाँ पे इसको ले सकता हूँ एफटीपी के थ्रू। तो अब मैं जैसे ईओएस 200D को ओपन करूँ या किसी भी पिक्चर को मैं क्लिक कर दूँ, जस्ट लाइक इस पिक्चर को क्लिक करता हूँ और ये देखो यहाँ पे मेरी डाउनलोड हो चुकी है। तो ये ऑलरेडी डाउनलोड होती है क्योंकि वहां से कॉपी हो रही है ना, तो डाउनलोड होती है हमारे सिस्टम पे। अब मैं इस पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे देखो वो पिक्चर भी ओपन हो रही है। तो इस तरीके से गाइस हम यहाँ पे एफटीपी सर्वर क्रिएट करते हैं अपने मोबाइल फोन पे और अपने क्लाइंट्स कंप्यूटर्स में। हम इस तरीके से एक्सेस करते हैं उस सारी फाइल्स को और हम सिंपली उसे डाउनलोड भी कर सकते हैं। सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती है। तो आपका एफटीपी सर्वर की यूआरएल आपको यहाँ पे डालनी पड़ती है। तो ये इस तरीके से मैंने आपको बता दिया कि अपने मोबाइल फोन पर सर्वर क्रिएट करके हम कैसे उसको सर्वर बना देते हैं और बाकी सिस्टम्स को क्लाइंट बना देते हैं जो हमारे नेटवर्क पे होते हैं। तो अब हम क्या करते हैं, इसे सिंपली क्लोज कर देते हैं। अब हम मशीन टू मशीन करके देखने वाले कि मशीन टू मशीन हम कैसे करते हैं। तो मैंने यहाँ पे ऑलरेडी अपने सिस्टम्स को ओपन कर रखा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो तोमर नाम का एक यूजर है और एक आदि नाम का यूजर है। तो मैं आदि को ओपन करने वाला हूँ, आदि को ओपन कर लेता हूँ तो मेरा सिस्टम यहाँ पे खुल चुका है। अब मैं इस सिस्टम से इस एफटीपी सर्वर यहाँ पे क्रिएट करने वाला हूँ, साथ साथ आदि नाम पे ये जो यूजर है इस पे क्रिएट करने वाला हूँ और आपको मैं उसको तोमर पे भी एक्सेस करके दिखाऊंगा। तो आदि तोमर यानी दो सिस्टम आप मान सकते हो यहाँ पे अलग अलग हो चुके हैं। तो हम किसी दूसरे डिफरेंट सर्वर में कैसे लेते हैं तो वो आपको यहाँ पे समझ में आ जाएगा। तो अब इसको हम सर्वर में कैसे कन्वर्ट करेंगे, सबसे पहले स्टेप आप यहाँ पे नोट भी कर सकते हो, आपको सबसे पहले क्या करना है अपने आईपी कॉन्फ़िग करके देखना है। सीएमडी पे जाता हूँ और यहाँ पे सिंपली लिख देता हूँ आईपी कॉन्फ़िग करूंगा, मेरी आईपी मेरे को यहाँ पे मिल जाएगी 192.168.0.101। क्लियर, याद करके रख लेना आप इसे 101 लास्ट में। अब मैं क्या करता हूँ, सिंपली अपने कंट्रोल पैनल पे जाता हूँ, सबसे पहले अनइंस्टॉल अ प्रोग्राम और यहाँ पे टर्न विंडोज फीचर ऑन एंड ऑफ इस पे क्लिक करता हूँ। और यहाँ पे आपको सबसे पहले अपनी एफटीपी की सर्विसेज इनेबल करनी है। तो मैं जाता हूँ इंटरनेट इन्फॉर्मेशन सर्विसेज पे और यहाँ पे आपको एफटीपी सर्वर का फोल्डर दिख रहा है, इसे प्लस पे क्लिक करें, दोनों फाइल्स को सिलेक्ट कर लें, इसके बाद नीचे वाले फोल्डर को सिलेक्ट करें और चारों फाइल्स को आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है इस तरीके से। तो मैंने सब कुछ सिलेक्ट कर लिया, मैं माइनस पे क्लिक करूंगा तो आपको समझ में आ जाएगा मैंने क्या क्या सिलेक्ट किया है। आप देख सकते हो इस तरीके से ये दोनों वेब मैनेजमेंट टूल और एफटीपी सर्वर। अब मैं इसको ओके कर देता हूँ, ओके होने पर यह अप्लाई करेगा चेंजेस। इट मे टेक सम टाइम अप्रोक्सीमेटली 20-30 सेकेंड्स, तो आप पेशेंट रखें यहाँ पे, पेशेंस रखें और साथ ही साथ इसको 20 सेकंड दे, ये अपने आप अप्लाई हो जाएगा और आपके सामने ये ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाएगा। तो हम इसको थोड़ा सा टाइम दे देते हैं तो गाइस वो ऑटोमेटिकली अप्लाई होके क्लोज भी हो चुका है। तो अब इसके बाद जो सेकंड स्टेप है वो आपको क्या करना है, कंट्रोल पैनल पे या कैटेगरी आपको दिख रही होगी व्यू बाय, इस पे क्लिक करना है, आपको लार्ज आइकन पे क्लिक कर देना है, कुछ इस तरीके के आपके आइकन चेंज हो जाएंगे। अब आपको विंडोज फायरवॉल पे जाना है, फायरवॉल पे आप जाओगे जैसे ही इस फायरवॉल को अभी ऑफ कर देते हैं, बिकॉज अगर हम एफटीपी को यूज कर रहे हैं तो या तो हमें रूल बनाना पड़ेगा फायरवॉल पे या तो हमें इस फायरवॉल को ऑफ करना पड़ेगा। तो हम अभी के लिए ऑफ कर देते हैं, फायरवॉल रूल कैसे बनाएंगे हम बाद में कभी जान लेंगे, अभी हमने फायरवॉल को ऑफ कर लिया है। अब आपको यहाँ पे ऑप्शन दिख रहा है अलाउ अ प्रोग्राम और फीचर थ्रू विंडोज फायरवॉल, इस पे क्लिक करूंगा, यहाँ पे आपको एफटीपी सर्वर देखने को मिलेगा इस जगह पे, ये देखो मैं इसे टिक कर दूंगा, इसको मैं प्राइवेट पब्लिक दोनों ही नेटवर्क की यहाँ पे एक्सेस दे दूंगा। मैं इसको दोनों को टिक करके यहाँ पे ओके बटन पे क्लिक कर दूंगा तो यहाँ पे ये भी इनेबल हो जाएगा। इसके बाद थर्ड स्टेप पे हमें एडवांस सेटिंग्स पे जाना है, एडवांस सेटिंग्स पे आप यहाँ पे इनबाउंड रूल्स पे जाएं, इनबाउंड रूल्स पे आप थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन नीचे करोगे तो आपको यहाँ पे एफटीपी देखने को मिल जाएगा इस जगह पे, देखो यहाँ पे। तो आपको एफटीपी यहाँ पे फाइल ट्रांसफर ट्रैफिक इनको इनेबल करके रखना है और नीचे वाले को भी आपको इनेबल रूल कर देना है। तो यहाँ पे ये इनेबल हो चुका है, अब आपको क्या करना है, सिंपली यहाँ से एग्जिट हो जाना है। तो एग्जिट हो गए हम यहाँ पे, तीन स्टेप्स हो गए। अब चौथे स्टेप में आपको एडमिनिस्ट्रेटिव टूल्स पे जाना है, ठीक है। यहाँ पे आप क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे इंटरनेट इन्फॉर्मेशन सर्विसेज IIS देखने को मिलेगा। ये आपको तभी देखने को मिलेगा जब आप विंडोज फीचर ऑन और ऑफ पे जाके इंटरनेट सर्विसेज और एफटीपी सर्वर को टिक करके इनेबल कर दोगे, ठीक है। तो अब हम इसे ओपन कर लेते हैं।
तो यहाँ पे आप देख सकते हो आधी पीसी आ रहा है, इसको मैं यहाँ पे एक्सपेंड करता हूँ तो यहाँ पे साइट्स आ रहा है, साइट्स को एक्सपेंड करते हैं तो डिफॉल्ट वेबसाइट आ रहा है। अब मैं साइट्स के फोल्डर पे राइट क्लिक करके यहाँ ऐड एफटीपी साइट पे जाता हूँ, क्लिक करता हूँ, एफटीपी साइट का नेम देना है तो मैं कुछ भी दे देता हूँ यहाँ पे, जैसे एफटीपी डेमो, ठीक है, एफटीपी डेमो। अब यहाँ पे फिजिकल पाथ देना है, जैसे कि हमने एंड्रॉइड में किया था वहां पे इंटरनल मेमोरी का रूट फोल्डर आ रहा था ना, तो ये रूट फोल्डर, ये कौन सा फोल्डर आप देना चाहते हो वो आपको देना है। मैं क्या करता हूँ, डेस्कटॉप पे जाता हूँ, राइट क्लिक करता हूँ, न्यू फोल्डर बना लेता हूँ किसी कोई भी नाम का, जैसे ASD नाम से, ASD नाम से मैंने फोल्डर बना लिया, इसे ओपन करता हूँ, राइट क्लिक करता हूँ, न्यू पे जाता हूँ, एक नई टेक्स्ट डॉक्यूमेंट बना लेता हूँ, उसका नाम दे देता हूँ आदि, ठीक है, आदि नाम दे देते हैं इसका, और इसे ओपन करके कुछ इस पर टाइप भी कर देते हैं, जैसे आई लिव इन इंडिया एंड आई लव माई कंट्री सो मच, ठीक है, या मैंने ये तीन चीजें लिख दी, कंट्रोल ऐसे सेव कर दूंगा और इससे मैं क्लोज कर दूंगा। तो यहाँ पे AD नाम की एक फाइल है, राइट क्लिक करके न्यू पे जाता हूँ, एक नई शॉर्टकट बना लेता हूँ या बिट मैप इमेज ब्लैंक यहाँ पे मैं बना लेता हूँ और इसका नाम दे देता हूँ CV। तो यहाँ मैंने दो फाइल बना दी है इस फोल्डर में ASD की। अब मैं सिंपली इसकी लोकेशन यहाँ से कॉपी कर लूंगा, एड्रेस बार से कॉपी, आप क्या करूंगा इस पाथ पे जाके इसे पेस्ट कर दूंगा, नहीं तो मैं यहां से भी इसे ब्राउज कर सकता हूँ इस तरीके से, ठीक है। अब मैं नेक्स्ट पे क्लिक करूंगा, यहाँ पे IP एड्रेस देना है, तो हमारा IP एड्रेस था 101, दोबारा से हम एक बार देख लेते हैं, CMD IP config, तो यहाँ पे हमारा 101 IP है, तो मैं अगर इसे मार्क करके कॉपी कर लूँ तो मैं डायरेक्ट इसी को ही यहाँ पे लिख सकता हूँ, तो मैं इसको कॉपी कर चुका हूँ, अब मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, तो पेस्ट हो गया। और पोर्ट नंबर यहाँ पे आपका 21 है, क्योंकि टी जो आपका FTP होता है उसका 21 होता है और TFTP होता है उसका 22 होता है, तो 22 बाय डिफॉल्ट यहाँ पे लिखा हुआ है, तो हमें कुछ भी नहीं करना। इनेबल वर्चुअल होस्ट आप करना चाहो तो कर सकते हो, वहां पे क्या है कि FTP और आपको IP एड्रेस देना पड़ता है, अगर आप इसको कर दोगे तो आप FTP कोई डोमेन नेम भी दे सकते हो, तो अभी के लिए हम इसे नहीं करते हैं, बाद में कभी जब हम CCNA करेंगे तब हम इसको भी करके देख लेंगे एक बार। यहाँ पे आपको SSL सर्टिफिकेट्स देने, अगर आपके पास HTTPS वाले सारे सर्टिफिकेट्स हैं कि आपकी साइट को सिक्योर बताया जा सके तो आप यहाँ पे दे सकते हो उसे, हमारे पास नहीं है, नो SSL कर देते हैं, नेक्स्ट कर देते हैं। अभी आपको ऑथेंटिकेशन रखनी है, एनोनिमस या बेसिक, एनोनिमस में आपका पता भी नहीं चलेगा कि कौन है क्लाइंट, बेसिक में आपका पता चल जाएगा, तो बेसिक हम कर देते हैं, एनोनिमस में कोई भी कनेक्ट हो सकता है, इसका मतलब मैं आपको बता दूं। अब यहाँ पे अलाउ एक्सेस टू, किसे किसे आप अलाउ कर रहे हो, न्यू, आप यहाँ पे ऑल यूजर्स भी कर सकते हो, एनोनिमस यूजर्स भी कर सकते हो, स्पेसिफाइड यूजर्स भी कर सकते हो, हम प्राइवेट नेटवर्क बना रहे तो हम स्पेसिफाई करेंगे कि ये ही कर पाए यहाँ पे एक्सेस। मैं दे देता हूँ यहाँ पे यूजर्स का नाम, आदि कर सकता है, तोमर कर सकता है, और जो और भी सिस्टम्स हैं वो भी कर सकते हैं, तो मैं और भी नाम दे सकता हूँ, तो मैं अभी यहाँ पे दो ही नाम दे रहा हूँ, रीड भी कर सकते हैं वो, राइट भी कर सकते हैं, मतलब वो खुद भी अपनी फाइल्स को यहाँ पे ला सकते हैं, तो ये दोनों परमिशन मैंने दी थी, फिनिश कर देता हूँ। तो यहाँ पे आप देखो FTP डेमो हमारे यहाँ तैयार हो चुका है, हमारे IP है 101:21 FTP में, ठीक है। अब हमें क्या करना है, सिंपली हमारी साइट भी यहाँ पे रेडी हो चुकी है, अब मैं इसे सिंपली यहाँ से क्लोज कर देता हूँ, यहाँ से इसे भी क्लोज कर देते हैं, ASD की राइट क्लिक करते हैं, प्रॉपर्टीज पे जाते हैं, शेयरिंग पे जाते हैं, शेयर पे जाते हैं, और शेयर पे जाने के बाद स्क्रोल डाउन करके यहाँ पे आदि को सिलेक्ट करते हैं, ऐड कर लेते हैं, आदि सिलेक्ट हो गया, तोमर को सिलेक्ट करके ऐड कर लेते हैं, तो दोनों यूजर आ गए हमारे, शेयर पे क्लिक कर देते हैं, डन कर देते हैं, एडवांस शेयरिंग पे जाते हैं, शेयर दिस फोल्डर पे क्लिक करते हैं, परमिशंस पे जाते हैं, सारी परमिशंस दे देते हैं, ऐड पे क्लिक करते हैं, ऐड पे यहाँ पे अपना आदि नाम दे देते हैं, तो आदि भी सिलेक्ट हो चुका है, ऐड पे जाते हैं दोबारा से और यहाँ पे तोमर को भी सिलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है, तोमर चेक नेम करेंगे अपने आप तोमर भी आ जाएगा, ओके कर देते हैं, तो यहाँ पे आदि भी आ गया, तोमर भी आ गया, अब हमें ओके कर देना है, ओके कर देना है, क्लोज कर देना है, ठीक है। अब ASD फोल्डर में हमारी दो फाइल्स थी, कौन कौन सी, एक टेक्स्ट फाइल थी और एक हमारी इमेज फाइल थी। अब मैं क्या करूंगा, सारी चीजों को आपस में सारी क्लोज कर दूंगा और अपने ब्राउजर पे जाऊंगा। सबसे पहले आदि देखो यहाँ पे यूजर नेम है आदि, आदि वाली डेस्कटॉप में है हम, ठीक है, आदि वाली मशीन पे हम, मैं एक बार दिखा देता हूँ आपको क्लियर से, आदि मशीन पे हम, ठीक है। अब मैं देखो URL एड्रेस बार पे जाऊंगा और यहाँ पे क्या लिखूंगा, FTP:192.168.0.101, बिकॉज हमारी IP यहाँ पे हमने 101 दी थी FTP बनाते वक्त, एंटर हिट करूंगा तो यहाँ पे आप देखो साइन इन का ऑप्शन आ रहा है, साइन इन करो, जो यूजर नेम है आपका और पासवर्ड है, तो मेरा आदि है इस सिस्टम पे और पासवर्ड जो है मेरा वो डाल देता हूँ मैं B, ठीक है। साइन इन पे जैसे ही क्लिक करता हूँ आप यहाँ पे देख सकते हो adi.txt, cv.bmp, ad.txt पे क्लिक करूंगा, यहाँ पे देखो डाउनलोड हो गई, वो क्लिक करता हूँ इस पे, आई लिव इन इंडिया एंड आई लव माई कंट्री सो मच, वो मेरे को अपडेटेड देखने को मिल रहा है। अब मैं क्या करता हूँ, राइट इसे मिनिमाइज करता हूँ, इस फोल्डर पे जाता हूँ, राइट क्लिक करके एक नई फाइल और बना लेता हूँ टेक्स्ट डॉक्यूमेंट की, डी नाम से। अब डी में हम क्या टाइप करते थे, डी 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 डी, कंट्रोल ऐसे सेव करते हैं, इसे क्लोज कर देते हैं यहाँ से, इसे भी क्लोज कर देते हैं
और अपने ब्राउजर पे जाते हैं और इसे रिफ्रेश कर लेते हैं। रिफ्रेश करते हैं, जैसे यहाँ पे d.txt भी आ गई, क्लिक करता हूँ, डाउनलोड हुई, ओपन करता हूँ, डी 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 डी। इस तरीके से अपने FTP सर्वर क्रिएट करके अपने क्लाइंट्स को आप अपनी फाइल्स शेयर कर सकते हो। साथ ही साथ अगर मैं इसे क्लोज करूं और स्विच यूजर कर लूं, दूसरे यूजर पे चला जाऊं, यानी किसी दूसरे सिस्टम पे अगर मैं हूं, मैं उसका एग्जांपल आप यहां पे आपको दे रहा हूं। स्विच यूजर करा मैंने, तोमर पे गया, तोमर का पासवर्ड मैं यहां पे डाल देता हूं जो इसका पासवर्ड है, और इस पे एंटर हो जाता हूं। तो यहां पे हमारा ये सिस्टम भी ओपन हो चुका। अब ये हमारा दूसरा सिस्टम है, आप कंसिडर करो दूसरा सिस्टम है। अब मैं इसको भी गूगल क्रोम पे जाता हूं, तो अगर आप मानते हो आधी वाले सिस्टम को अपने पड़ोसी वाला सिस्टम जिससे आपको फाइल शेयरिंग करके लेनी है एफटीपी के थ्रू, तो आपका वो आधी वाला था। अब मैं तोमर पे हूँ, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे दिखाऊं तो ये देखो तोमर पे आ चुका हूँ मैं। अब मैं आपको यहाँ पे सेम वही यूआरएल डालनी है हमें एफटीपी वाली, FTP:101। देखो यहाँ पे आ भी रहा है, मैं इस पे एंटर हिट कर देता हूँ। यहाँ पे भी मेरे को वो यूजर नेम पासवर्ड डालना है, तो हमने आधी डाला था पिछले सिस्टम पे, यहाँ पे हम डालेंगे तोमर और पासवर्ड तोमर वाला डाल देंगे जो कि है हमारा ए। और साइन इन पर जैसे क्लिक करूंगा, यहाँ पे देखो वही फाइल्स आ चुकी हैं। ad.txt पे क्लिक करता हूँ, डाउनलोड हुई, इस पे क्लिक करता हूँ, तो वो देखो आई लव माई इंडिया, आई लव माई कंट्री सो मच। अगर फॉन्ट थोड़ा सा बड़ा कर दूं तो आपको दिखेगा इस तरीके से। तो इस तरीके से गाइस आप एफटीपी सर्वर को अपने सिस्टम्स में ले सकते हो। आप पूरी की पूरी लोकेशन आप जहां की भी देना चाहो दे सकते हो, जस्ट लाइक मैंने यहाँ की फोल्डर पे दी थी। मैं देखो दूसरी मशीन पे जाके दिखा देता हूँ लास्ट चीज आपको, तो मैं यहाँ पे इस पे जाके दिखा देता हूँ। मैंने यहाँ पे आपकी लोकेशन कहाँ की दी थी, इस फोल्डर की। आप चाहे तो पूरी की पूरी हार्ड ड्राइव की लोकेशन आप दे सकते हो। आपको देना कैसे, C:\forward/, बस आपकी पूरी हार्ड ड्राइव सी ड्राइव शेयर हो जाएगी, डी शेयर करनी है डी शेयर हो जाएगी। इस तरीके से सारे क्लाइंट आपकी उस यूआरएल की मदद से आपके सिस्टम पे जो भी आपने शेयर पे लगा रखा है, जो जो यूजर स्पेसिफाइड कर रखे हैं, वो सारे यूजर आपकी उन फाइल्स को एक्सेस कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं, और जो आपने शेयर करी है उन रिसोर्सेज का फायदा उठा सकते हैं। तो आई होप यहाँ पे आपको एफटीपी कैसे कॉन्फिगर करना है मोबाइल फोन से और कंप्यूटर से, मैंने आपको दोनों में क्लियरिटी दे दी। अगर थोड़ी सी नॉलेज मिली है इस वीडियो से तो यार एक लाइक तो बनता है, तो जल्दी से एक लाइक जरूर कर दो एंड अगली वीडियो देखना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो आई होप यहाँ पे एफटीपी आपको क्लियर हो गया होगा, अच्छी तरीके से आ गया होगा कि हमें कैसे यहाँ पे कॉन्फिगरेशन करनी है और कैसे हमें पूरा प्रैक्टिकल परफॉर्म करना है। सो आई होप गाइस यू गॉट द पॉइंट ऑफ द वीडियो। इस वीडियो में दी गई एफटीपी से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन आपको क्लियर हो गई होगी। तो गाइस इस वीडियो में थोड़ा सा भी नॉलेज आपको मिला हो तो एक लाइक जरूर से कर देना। साथ ही साथ कोई भी सुझाव हो, कमेंट हो, क्वेश्चन हो, नीचे कमेंट करना बिल्कुल मत भूलना। एंड इसी के साथ साथ इस कोर्स को शेयर करना चाहो तो जरूर से शेयर कर देना। एंड इसके साथ साथ कोर्स की प्लेलिस्ट एक्सेस नहीं करिए, रैंडमली इस वीडियो में आ चुकी हो तो पूरा कोर्स देखो, एक्सपर्ट बन जाओगे बेसिक नेटवर्किंग में आप, तो पूरा कोर्स देख लो, प्लेलिस्ट लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। तो गाइस इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, CCNA कोर्स जस्ट मैं अब लाऊंगा, कुछ ही दिनों में आने वाला है, तो कोर्सेज को देखने के लिए सब्सक्राइब जरूर से कर देना। अगली वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है और लास्ट वीडियो होने वाली है इस कोर्स की। तो गाइस अगली वीडियो जरूर देखना, मैं वहां पे आपको जो जो मेरे पास प्रेजेंटेशन थी पूरे कोर्स की एक जिप फाइल में आपको दे दूंगा। साथ ही साथ और भी बहुत सारी चीजें, जैसे आपको कोई शीट देनी होगी, कोई आपको डॉक्यूमेंटेशन देनी होगी, तो उस वीडियो में आपको दे दूंगा। साथ साथ नेटवर्किंग बेसिक के बाद आपको क्या स्टेप लेना है, अगर आप CEH में जाना चाहते हो या बेसिक CCNA में जाना चाहते हो तो आपको कैसे अब आगे काम करना है, वो पूरा बताने वाला हूं। तो अगली वीडियो बिल्कुल देखना अगर आपने अभी तक पूरा कोर्स देखा है तो। तो गाइस मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में जहां पे हम इस कोर्स को समाप्त करेंगे। तो तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, स्टे हेल्दी एंड जय हिंद।